चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने आज इंडिया में मोस्ट अवेटेड फोन Redmi Note 5 और Redmi 5 Pro लॉन्च कर दिया है। कंपनी का आज नई दिल्ली में इवेंट था। Redmi Note 5 और Redmi 5 Pro फोन को Flipkart से खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा ये फोन MI.com और MI होम रिटेल स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। इस वीडियो में हम आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। Redmi Note 5 कंपनी की पिछली फोन Redmi Note 4 का अपग्रेड वर्जन है। कंपनी ने इस फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक 3GB रैम के साथ 32GB मेमोरी है जिसकी कीमत 9,999 रुपए है, जबकि दूसरा 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज है जिसकी कीमत 11,999 रुपए है। ये फोन ब्लैक, गोल्ड, रोज गोल्ड और ब्लू कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा। ये दोनों फोन Redmi Note 4 से सस्ते हैं। Redmi Note 5 स्पेसिफिकेशन। Redmi Note 5 में 12 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ये फोन 32GB और 64GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ये एंड्रॉइड नूगा का आधारित MIUI 9 पर चलता है। इसमें 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1080 से 2160 पिक्सल है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 4G वोल्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ और 3.5mm हेडफोन्स जैक और माइक्रो USB दिया गया है। इस फोन का वजन 180 ग्राम है। इसकी बैटरी 4000 mAh की है। Redmi Note 5 Pro, ये फोन भी दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। एक 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज है जिसकी कीमत 13,999 रुपए है, जबकि 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपए रखी गई है। Redmi Note 5 Pro स्पेसिफिकेशन। इसमें ड्यूअल रियर कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है। फोन में 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। इस फोन में 1.8 GHz का स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर है। फोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 4G वोल्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, 3.5mm हेडफोन जैक और माइक्रो USB भी दिया गया है। इस फोन का वजन 181 ग्राम है। 22 फरवरी से इन्हें MI.com, MI होम और Flipkart से खरीदा जा सकता है। कंपनी का कहना है कि इन्हें जल्द ही ऑफलाइन भी खरीदा जा सकेगा। इसके साथ ही कंपनी ने MI TV 4 भी लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पहली बार चीन से बाहर आकर इंटरनेशनल मार्केट में अपना टीवी लॉन्च किया है।